शाम 7:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कल हरीश रावत घर पर उपवास भी करने वाले हैं। लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है उनके द्वारा कि आप साथ दीजिए हरीश रावत का। जनता से आह्वान इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाहे शंख हो चाहे घंटे घड़ियाल हो उसको बजाने की अपील की जा रही है उनके द्वारा। बेरोजगारी के मुद्दे पर घंटी शंखनाद कनस्तर बजाओ कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया है। शाम 7:30 बजे बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कल हरीश रावत घर पर उपवास भी करने वाले हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत काफी ज्यादा मुखर हो चुके हैं। हरीश रावत ने जनता से अपील भी की है बेरोजगारी के मुद्दे पर, अभी यह कार्यक्रम होगा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। रतन नेगी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रतन नेगी, बेरोजगारी का मुद्दा काफी ज्यादा उठाते हुए और मुखर तरीके से आगे आते हुए नजर आ रहे हरीश रावत, और अब जनता से वो अपील भी कर रहे हैं कि आगे आइए और अपनी आवाज उठाइए। देखिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जानते हैं कि मीडिया की सुर्खियों में कैसे बने रहना है, और हरीश रावत मीडिया की सुर्खियों में बने भी रहते हैं। लिहाजा उन्होंने अब यहाँ पर जो आंदोलन ठाना है, जो लगातार वो अभी कुमाऊं से दौरा करके आए, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो उसको भुनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश के युवाओं की बात की जाए तो उन युवाओं को लगता है कि वो बेरोजगार है, उनको सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। उस मुद्दे को कांग्रेस सहित हरीश रावत ने यहाँ पर पकड़ लिया है, और इसी मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने आज प्रदेश की जनता से, युवाओं से, बेरोजगारों से आह्वान किया है कि वह शाम को 7:30 बजे अपने घरों पर या घर के चौकट पर थाली बजाए, घंटी बजाए, या जो भी आपके पास हो, तीन कट कनस्तर जिसे भाषा में कहा जाता है, आप उसको बजाइए और सरकार को जगाइए कि हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए। ये हरीश रावत ने सरकार को जगाने के इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है, साथ ही जनता से आह्वान भी किया। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कल हरीश रावत अपने घर पर ही बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ही उपवास पर भी बैठने वाले हैं। इससे पहले हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत की सरकार को कई बार अगर बात की जाए जो बात निकल कर आती है, अपनी तरफ से सुझाव भी दिए कि राज्य के अंदर जो अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, क्या कुछ छोटे छोटे काम किया जाए जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक को पटरी पर लाया जाए। तो कह सकते हैं हरीश रावत मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए, और चुनावी देखिए इसके बाद 18 मार्च की अगर बात की जाए तो त्रिवेंद्र सरकार को 4 साल पूरे होने वाले हैं, इसके बाद 1 साल यहाँ पर रह जाता है। तो निश्चित तौर से अब हरीश रावत हो या कांग्रेस हो, अब ये कुल मिलाकर के दूसरी तरफ से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अब उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत की सरकार जो है प्रचंड बहुमत की सरकार है, सत्ता का प्रचंड बहुमत मिला, डबल इंजन की सरकार है। तो सरकार को घेरने के लिए जो भी यहाँ पर कांग्रेस द्वारा होगा वो किया जाएगा, और हरीश रावत और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल आम आदमी पार्टी का रत्न नेगी सदस्यता अभियान भी अब चिंता का विषय बीजेपी के लिए बनता जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही डैमेज उत्तराखंड में करने जा रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करती, वो कहती है कि आप आदमी पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सत्यता यही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ कुछ लोग जुड़ने शुरू हो गए, चाहे पौड़ी में जुड़े, टिहरी, चमोली, गोपेश्वरखंड, पुरिया, देहरादून, उत्तराखंड के 13 जिलों में आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ने लगे, तो भाजपा कांग्रेस को डैमेज तो जरूर करेगी। भाजपा की कोर कमेटी की जब उत्तराखंड में बैठक हुई थी तो उस बैठक के दौरान भी आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। अब इसे भाजपा कांग्रेस भले ही सामने ना बोले लेकिन जरूर यहाँ पर करेगी। दिल्ली की तर्ज में उत्तराखंड के अंदर जो सपने दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने दिखाया, जो धरातल होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एजुकेशन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो उस सेक्टर जो पहाड़ का है उससे पीड़ित है हमारा उत्तराखंड का पहाड़, 9.5 पर्वतीय जिले, जहां पर शिक्षा की बात की जाती है, अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा की बात आती है और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है, तो उसको मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में कूदना चाहती है। 70 सीटों का ऐलान अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। हालांकि रतन नेगी, जो आरक्षण के विरोध में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, आरक्षण का समर्थन नहीं कर रही आम आदमी पार्टी, इसका भी कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। से विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के हम 13 जिलों की बात करते हैं, तो 13 प्रदेश छोटा है, 13 जिले, लेकिन 13 जिलों में रहने वाले लोगों की सोच अलग अलग है, उनकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उनकी सोच अलग है, हर जिले की अपनी 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 समस्या है, हर जिले की अपनी तकलीफ है, अपना दुख दर्द है। और वही आरक्षण के मुद्दे की बात की जाए तो मैदान की अगर बात करते हैं, चाहे रुड़की से लेकर भगवानपुर, झमरेड़ा, हरदा, ग्रामीण के लोगों की सोच है, वो सोच अलग निकल के आती है, पौड़ी, श्रीनगर से हम कुमाऊं तक बैठ जाते हैं, वो कुछ लोगों की सोच अलग है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आने वाले समय जो चुनाव होगा, ये भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय चुनाव
अपना त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। अब तक भाजपा कांग्रेस में ही यह मुकाबला देखने को मिलता था, क्योंकि क्षेत्रीय उत्तराखंड क्रांति दल कुछ बेहतर नहीं कर पाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो उनका मैनेजमेंट है, चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट हो चाहे वो जनता के बीच में, अब कूदने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन यह भी सत्यता है कि संगठन के लिहाज से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अभी सुनने के बिल्कुल रहते नहीं कि आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को बता देते कि कोरोना के क्या हालात है प्रदेश में। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन भी 1000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कुल 10,387 सैंपलों की टेस्टिंग हुई है, जिसमें से 10,015 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 28,226 है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे ज्यादा है, देखिए 275 कोरोना मरीज। वहीं उधम सिंह नगर में 248, हरिद्वार में 157, पौड़ी में 58 और पिथौरागढ़ में 41, रुद्रप्रयाग में 30, अल्मोड़ा में 24, चमोली में 24, टेहरी में 21, बागेश्वर में 18। इसी तरह से उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मिला है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 377 है। प्रदेश के मैदानी जिलों की अगर बात करी जाए, कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है। एक ही दिन में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में 798 कोरोना के नए केसेस मिले हैं। संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम बताई जा रही। रतन नेगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संक्रमितों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है रतन नेगी, उतने ज्यादा रिकवर नहीं हो रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। देखिए चिंता का विषय जरूर है, और ये कोरोना संक्रमण का जो आतंक है वो सचिवालय से लेकर सरकार के नजदीकी लोगों तक भी पहुंच गया है। दुखद खबर हमारे पास है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी हैं वर्धन भट्ट, उनकी पत्नी का निधन यहाँ पर हो गया, कोरोना पॉजिटिव होती कल उनका निधन यहाँ पर हो गया। इसके साथ ही अभी खबर आ रही है कि झबेड़ा की जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं देशराज कनवाल, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और प्रणव सिंह चैंपियन, जिनकी अभी पार्टी में वापसी, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बंसीधर भगत, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो अभी ठीक होकर के हैं। उनके बेटे अभी कोरोना पॉजिटिव, उनका इलाज अगर बात की जाए तो दिल्ली एम्स में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना ना वीआईपी देखता है, ना आम आदमी देखता है, ना वो सड़क पर चलने वाले को देख रहा, ना महलों में रहने वाले को देखता, वो किसी को भी हो सकता है। सतर्कता बरतने की जरूरत है। और उत्तराखंड में तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 28,226 टोटल संक्रमित मामले यहां पर हुए हैं। राहत की बात है कि 18,783 लोग जो है वो ठीक हो गए हैं। 377 मौत जरूर हुई है, लेकिन इनके अन्य बीमारी इसकी वजह बताया गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को निमोनिया था या किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन था, तो तमाम चीजें भी यहां पर स्वास्थ्य महकमे द्वारा बताई गई है। इसके साथ ही अब तक अगर बात की जाए तो राज्य के अंदर जो एक्टिव केसों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें 8,955 अभी तक लगा। इसी मुद्दे को लेकर अब विपक्ष पे निशाना साध रहा है। कि बिल्कुल सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, कंट्रोल हो नहीं रहा है कोरोना, ये भी एक मुद्दा उठाया जा सकता है विपक्ष के द्वारा। देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष यहां पर बोल रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की बात हो, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की बात हो, हरीश रावत की बात हो, वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने में फेल है। लेकिन हकीकत बात है, अगर सत्यता के तौर देखा जाए तो सरकार यहाँ पे इंतजाम कर सकती है, वेंटिलेटर दे सकती है। सरकार के पास इतना वेंटिलेटर है जो केंद्र सरकार ने दिए, वो प्राइवेट अस्पतालों को दे रही है। जांच लगातार बढ़ाई जा रही है, लगातार 9,000 से 10,000 सैंपल की यहाँ पर जांच आ रही है। सरकार स्वास्थ्य की जो सुविधाओं की बात की वो तो सरकार बढ़ा रही है, सरकार वही कर सकती है। लेकिन जागरूकता की अगर बात की जाए तो जागरूक लोगों को ही रहना होगा, मास्क को कवर करके ही घर से बाहर निकलना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चिल्लाकर रोज हाथ जोड़कर लगातार जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आप मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए, मास्क को सही तरीके से पहनिए, उसको सुनियोजित कीजिए, अपने आपको हाथ को सैनिटाइज कीजिए, भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाइए। अब जब लगातार प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है, जनता से अपील कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तमाम मंत्रीगण इस बात को लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष का अपना कहना ठीक है, विपक्ष भी यहां पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। एक और समस्या देखने को मिल रही है रतन नेगी, सच्चाई कोरोना महामारी के दौर में एक और समस्या ये देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन की काफी कमी देखने को मिल रही है। अगर ऐसे हालात में ये ऑक्सीजन की कमी आएगी प्रदेश में तो ये चिंता का विषय हो जाता है। कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं फिलहाल उत्तराखंड में? देखिए उत्तराखंड के लिहाज से बेहतर है, उत्तराखंड की जो आबो हवा है उससे ही उत्तराखंड के जो अगर बात की जाए पहाड़ से लेकर मैदान तक ऑक्सीजन भरपूर है। और अगर अस्पतालों की बात की जाए तो वो उत्तराखंड के अंदर भरपूर है, उसकी कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य महकमे के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण सुविधा हो सकती है वो त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने यहाँ पर किया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत खुद प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री है, लिहाजा वो बेहतर जानते हैं कि क्या कुछ बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के लिहाज से उत्तराखंड की बात करें तो निश्चित तौर से कोई कमी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते जाओ।
कोरोना का कहर रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बदले मौसम के साथ डेंगू को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन काफी अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग भी नहीं चाहता है कि कोरोना महामारी के बीच में डेंगू जैसी घातक बीमारी आम जनता के लिए मुसीबत बन जाए, लिहाजा हल्द्वानी प्रशासन पहले ही अलर्ट हो चुकी है और नैनीताल में पिछले साल डेंगू ने कहर भी बरपाया था जिससे कई लोगों की जान भी चली गई थी। वहीं पिछले साल के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इस बार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कोशिशें हैं कि डेंगू की शुरुआत ही ना होने दी जाए। प्रॉब्लम तो रोस्टर वाइज सभी जगह हो रही है, यहाँ नगर पालिका में आ रही है, लालपुआ में भी नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग हो रही है और ग्रामीण एरिया में भी फॉगिंग रोस्टर वाइज हो रही है और एक राउंड हो भी चुका है और घर घर जाकर सर्वेलेंस और जो लार्वा सोर्स रिडक्शन ये सारे काम हम लोग करवा रहे हैं और साथ ही एलाइजर किट और रैपिड डेंगू किट्स की भी खरीद हो चुकी है, नई फॉगिंग मशीन्स भी जो बेस चिकित्सालय ने स्वयं की और महिला चिकित्सालय ने भी खरीद ली है और बेड्स जो है यहाँ पे बेस चिकित्सालय में हमने 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से आपको बता दें जहां पर विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बैठक और दोपहर 3:30 बजे बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ मीटिंग होगी। 23 सितंबर से शुरू हो रहा है मॉनसून का सत्र और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बैठक में चर्चाएं संभव हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से जहां दोपहर 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब विधानसभा अध्यक्ष के साथ मीटिंग होगी मॉनसून सत्र को लेकर, क्योंकि 23 सितंबर से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र जिसमें तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक में होगी महत्वपूर्ण चर्चा, अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि 3:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के साथ की महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। आगे बढ़ते हैं जहां पर पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है जिससे दिल्ली की तरह ही उत्तराखंड में भी 2022 का विधानसभा चुनावी रण जीता जा सके। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच उतरकर अब पार्टी के नए सदस्य चुनने के लिए सदस्य अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के 30 साल पुराने कार्यकर्ता मनोहर लाल पहाड़ी भी आप में शामिल हो गए हैं। पहाड़ी ने बीजेपी कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से किए गए वादों से धोखा और बार बार विधानसभा जो विश्वासघात है उसको लेकर खूब कोसा है। पहाड़ी के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने आप में शामिल होकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है। पहाड़ी पौड़ी विधानसभा सीट से रक्षा मोर्चा से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का अनुभव भी रखते हैं जिसका लाभ भी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारी पार्टी में बड़ा और छोटा चेहरा नहीं होता है, चेहरा हमारा जो है आदरणीय केजरीवाल जी है और उनके दिशा निर्देशन में जो उनका संकल्प है उस संकल्प को हम छोटे बड़े सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। उनका संकल्प है कि एक बार देवभूमि की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो इसको हम जो है पूरे भारत में देवभूमि मॉडल पर दर्ज करवाना चाहते हैं, इतना हम यहाँ विकास करें। इन मुद्दों को संघर्ष करके और पूरे क्षेत्र में पूरे जिले में जनता के साथ संघर्ष करेंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे, सरकार जो सोई हुई सरकार है इसकी नींद को तोड़ेंगे, जो इन डबल इंजन की सरकारों ने जो वादा किए थे जनता के साथ एक भी पूरा नहीं किया और केवल मात्र छलाव किया है। हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। सारे लोग मिलकर के इस सोई हुई सरकार को इस नीतिगत जो फैसले नहीं ले पा रही है, सुबह कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है, रात को कुछ बोलती है, इस सरकार को शुद्ध बुद्धि यज्ञ करके इसकी नींद को तोड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये जनता का काम करे, आपने वादे किए हैं जनता के साथ। आगे बढ़ेंगे जहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में अब संत समाज भी कूद पड़ा है। साध्वी प्राची समेत तमाम साधु संतों ने कंगना रनौत के घर पर बीएमसी की कार्रवाई को अवैध बताते हुए पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार के इस्तीफे की मांग की है। साधु संतों के अनुसार महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने आज तक पालघर में हुई संतों की हत्या पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुशांत सिंह मोरे केस में मुकदमा दर्ज करने में 1.5 महीने लगा दिए लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत का घर महज 3 घंटे में तोड़वा डाला जो पूरी तरह से गलत है। संतों का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार हिंदुवादी नेताओं की हत्या करवाना चाहती है। 45 दिनों तक सुशांत केस में FIR दर्ज नहीं हो पाई महाराष्ट्र के अंदर। पांच
पालघर के संतों को भी आज तक न्याय नहीं मिल पाया महाराष्ट्र में। बीएमसी की टीम आती है, एक घंटे का नोटिस देती है, 3 घंटे में कंगना रानौत के ऑफिस को धराशाही कर देती है, कहती अवैध निर्माण। आपके महाराष्ट्र में, आपके सरकार में कोई साधु हो तो उसको भी पकड़ के मार डालो, कोई अभिनेत्री यदि अपनी बात करती हो तो उसके घर को तोड़ दो, उसको दफ्तर को तोड़ दो। ये तुम्हारा संवैधानिक शासन चला रहे हो कि अपने घर के गुंडागर्दी शासन चला रहे हो? तुम्हारे पास में यदि गुंडागर्दी का ताकत है, तुम्हारे पास में यदि दम है, तो डी कंपनी के लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? तुम्हारे पास में ओज है, तेज है, बहुत तुम जिंदा दिली हो, तो क्यों नहीं डी कंपनी को रोकते हो? क्यों नहीं वहां पे जितने भी नारकोटिक्स में लगे हुए जो लोग हैं उस गैंग को क्यों नहीं पकड़ते हो? आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय सेना की कुमायूं रेजिमेंट यूनिट द्वारा बिना वजह ग्रामीणों के पेयजल आपूर्ति टैंक को ध्वस्त किए जाने से रोष पैदा हो गया है। पिथौरागढ़ के स्वाकुट गांव में रात के वक्त किए गए इस कार्य के बाद ग्रामीण सेना के खिलाफ मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशिक्षण के बहाने सेना उनके गांव में घुसी और पिछले एक हफ्ते से गांव में ही डेरा डालने के बाद गुरुवार की रात 2:30 बजे उन्होंने जेसीबी मशीन से जलापूर्ति टैंक को ध्वस्त कर दिया। इस टैंक के ध्वस्त होने से स्वाकुट सहित अन्य जगहों पर भी पेयजल आपूर्ति को नुकसान पहुंचा है। सेना की इस हरकत के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। जबकि यहां के लोग सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं तो कुछ सेना से सेवानिवृत्त होकर गांव में ही कृषि कार्य कर रहे हैं। तो चलिए इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में तक। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। श्री राम के अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीता राम के जयकारे के गुंज